अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। नमस्कार, कैंसर भगाओ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैंसर भगाओ एक मुहिम होने के साथ साथ एक अभियान है, एक आंदोलन है जो हर एक के घर में बसा हुआ है। यदि आपके आस पड़ोस में या आपके परिवार रिश्तेदारों में किसी को भी कोई भी शंका कैंसर से संबंधित है, तो आप हमें किसी भी समय नीचे दिए गए नंबर्स पर SMS करके अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, या फिर ईमेल के थ्रू भी हमसे रابطہ कायम कर सकते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ वर्ल्ड फेमस कैंसर सर्जन डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी जी मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे इस कार्यक्रम से बच्चे ही नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ माताएं, बहनें, लेडीज और ख़ास तौर पर जेंट्स, जो कि अपनी अपनी समस्याएं हमें स्पष्ट रूप से लिखकर भेजते हैं, इसकी हमें बेहद खुशी है। दोस्तों, डॉक्टर से आप जितना शर्म करेंगे, घाटे में आप ही जाएंगे, है ना डॉक्टर? तो चलिए इस सिलसिले को शुरू करते हैं और उठाते हैं आज का ये सवाल। डॉक्टर साहब, ये दमदमा कलकत्ता से लिखने वाली है रजनी घोष। ये कहते हैं कि इनके मुंह में निचले दांत के नीचे के मसूड़ों के पास एक बारीक सा पिंपल जैसा, एक गांठ जैसा उभर कर आया है, जैसा इन्होंने बंगाली भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। ये कहते हैं कि क्या हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी मेरी उम्र लगभग 38 वर्ष है और मैं नहीं चाहती कि मैं कैंसर की मरीज बनूं और निराश होकर ज़िंदगी से हाथ धोऊं। मुझे लग रहा है कि कैंसर भगाओ का जो अभियान है, जो एक स्वस्थ भारत और कैंसर फ्री इंडिया प्रिवेंशन वाला, वरना हम देखें तो 80% कैंसर के मरीज़ जो आते हैं वो मुंह में पिंपल के साइज़ के क्वेश्चन नहीं लेके आते हैं, बल्कि पूरी तरह से फटा हुआ, गला हुआ, पूरा जो स्किन, जो घाव है, ना कि सिर्फ अंदर बल्कि पूरा एक पिंपल से लेके वो जब तक के एक बॉल के साइज़ का नहीं हो जाता है या फट के बाहर नहीं निकल जाता है, तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं। तो ये एक, मुझे लग रहा है कि एक हमारे तरफ से एक हमारी कामयाबी है कि लोग छोटे से अल्सर, एक पिंपल के बारे में भी चिंतित हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि जीवन अनमोल है। एक गलती, एक, क्योंकि कैंसर का एक सबसे बड़ा भ्रम ये है कि जैसे कि युवराज जी ने कहा था एक बार कि उनको ये हो गया कि भाई मुझे कैंसर कैसे हो सकता है, और 6 महीने उन्होंने लगाए यही सवाल का उत्तर ढूंढने में कि मुझे कैंसर कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बन सकता हूँ तो क्यों नहीं मुझे ये बीमारी भी हो सकती है। और जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट में विजय प्राप्त की, उसी तरह उन्होंने कैंसर में भी उन्होंने विजय प्राप्त की है। जो आपका जो प्रश्न है, अगर मुंह के अंदर कोई भी छाला, अल्सर, भले वो पिंपल हो या कुछ भी हो, अगर वो 10 दिन 15 दिन के अंदर ठीक नहीं होता है,
या तो ऐसा है कि कोई दाड़ वो लग रही हो जिसकी वजह से हमेशा वो जख्म ताजा रह रहा हो, तो आपको चाहिए कि तुरंत आप एक डेंटिस्ट, डेंटल सर्जन या सर्जन या ऑनको सर्जन के पास आप जाएं और अपनी एग्जामिनेशन करवाएं। तब तक ना बैठें कि ये फैल जाए, बढ़ जाए, कैंसर की शक्ल ले ले और जीवन एक कैंसर का एक जंग ना बन जाए कि भाई अब कैंसर के ऊपर है कि भाई हम बचे ना बचे। तो आपको चाहिए कि आप देखें, दो चार पाँच दिन में अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो आप वहाँ से एक बायोप्सी करवा लें और जो भी उसका रिजल्ट हो हमें भी बताएं और उसका इलाज पूरा करवाएं। अक्सर मुंह में मेरे, आपके, किसी के भी मुंह में छाले हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो छाला वो कैंसर हो। 10 या 15 दिन के अंदर वो छाला ठीक होता है। अक्सर वो स्ट्रेस अल्सर होता है या कोई दाल लगने से, खाते वक्त कुछ लगने से इस तरह से हो सकता है। अभी आप कम से कम एंटीबायोटिक्स, गार्गल्स, पेन किलर्स लें, मल्टीविटामिन्स लें, एंटीऑक्सीडेंट्स लें और अगर ये ठीक हो जाता है तो आप इसको आप बेफिक्र हो जाइए, अगर नहीं होता है तो आप सीरियस हो जाइए, इसकी बायोप्सी करवाइए और इसको ट्रीट करवाइए। डॉक्टर साहब ने जैसे अभी भी जिक्र किया कि आप डॉक्टर के पास जाने में घबराएं नहीं, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है और ख़ास तौर पर अपनी डाइट का, अपनी ईटिंग हैबिट्स या अपनी लिविंग स्टाइल का खास ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ है, आपकी खुशियां आपके हाथ में है। डॉक्टर साहब, ये जो प्रश्न हम अगला लेने जा रहे हैं ये कोलन कैंसर के बारे में है। लिखने वाले बनारस से मधुसूदन गुप्ता हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने अपना कोलन कैंसर का उपचार पूरे तरीके से करवाया जो कि अब लगभग ठीक हो गया है। तो अब उसके ठीक हो जाने के बाद जीवन यापन के लिए, जीवन को फिर से नॉर्मल तरह से ज़िंदगी जीने के लिए उपयुक्त आहार क्या होना चाहिए? चलो मुबारक हो आपको क्योंकि देखिए जो कोलन कैंसर होता है, आपने रिजल्ट खुद सुना, खुद एक कैंसर सर्वाइवर हैं, फाइटर हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज मैं ठीक हूँ। अब उनको ये चिंता लगी है कि मैं फिट कैसे रहूँ और खान पान मेरा कैसे रहे, क्योंकि उनको पता है कि कोलन कैंसर में एक मुख्य कारण है खान पान। डाइट आपका कैसा हो, डाइट हेल्थी डाइट हो, डाइट फुल ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, डाइट में रेड मीट कम हो, फिश वगैरह या वाइट मीट, चिकन वगैरह कुछ मतलब आप ले सकते हो, और नमक कम खाएं, कॉन्स्टिपेटेड ना रहें, कब्ज ना रहे आपको, ऐसा डाइट लें जिससे कब्ज ना बने। वैसे देखा जाए तो आप सब कुछ खा सकते हो, लिमिट में खाएं, हेल्थी डाइट खाएं, क्योंकि आप नॉर्मल हो। जो मेरी डाइट है वही डाइट आपकी है, लेकिन देखा गया है रेड मीट, सॉल्ट या कोई भी चीज़ जो आसानी से हजम ना हो, लॉन्ग टाइम तक आप अपने कोलन में रहते हो, उसको आप ये करें। तो डाइट आपका हेल्थी डाइट, फुल ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, मीट नॉट रूटीनली बट विथ व्हाइट मीट यू कैन टेक, फिश एंड ऑल दैट, ठीक है। और क्योंकि आप सर्वाइवर हो, आपको चाहिए कि आप अपना स्क्रीनिंग करते रहें, हर 3 महीने में एक बार एक पेट का अल्ट्रासाउंड, छाती का एक्सरे, साल में एक बार कोलोनोस्कोपी और इमेजिंग्स वगैरह, CEA आप करवाते रहें, ताकि CEA से आपका ये पता चल जाएगा कि कहीं दोबारा बीमारी तो वापस नहीं आ रही है। 90% ये बीमारी वापस नहीं आएगी, ठीक है। खुश रहें और जो डाइट है आपका, जैसे हमारा नॉर्मल डाइट है वही आपका डाइट रहेगा, लेकिन वो हेल्थी डाइट होना चाहिए, कब्ज आपको नहीं होना चाहिए, इसको आप देखें। तो मधुसूदन गुप्ता जी, आपने सुन ही लिया होगा
कि आपकी डाइट में क्या क्या शामिल होना चाहिए और क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, खासतौर पर कॉन्स्टिपेशन। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो अधिकतर बीमारियों की तरफ इंसान को ले जाता है, और थकान और ओबेसिटी या और भी चीज़ें इससे कई सारे इंटर रिलेटेड हैं। आप हमें इसी तरह लिखते रहिए, क्योंकि हमें तो इंतज़ार रहता ही है आपके खतों का, आपके सवालों का, क्वेश्चंस का और प्रॉब्लम्स का। डॉक्टर साहब आपसे मुखातिब इसीलिए होते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें और एक हेल्दी इंडिया की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाएं। तो इसी नोट पर अब डॉक्टर साहब हमारे पास इतने सारे जो खत लगातार आ रहे हैं उसमें हमसे जो यंग जनरेशन है, खासतौर से जो 20 to 30 के बीच का जो ब्रैकेट है, उन लोगों के बड़ी सारी क्वेरीज आती हैं कि जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि तंबाकू का सेवन ना करें, सिगरेट, शराब, गुटखा या ये जो सुपारी वगैरह हैं, पान वगैरह हो गया, इससे बचेंगे तभी आप लंबी उम्र तक जिएंगे, जैसा डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा था। तो डॉक्टर साहब वो अक्सर पूछते हैं कि हमारा फिर स्टैंडर्ड मतलब क्या खाएं, जब क्योंकि आजकल फैशन के ज़माने में हर एक को आदत है स्मोकिंग की या फिर मतलब च्यूइंग की, कुछ ना कुछ मुंह में होना चाहिए जो कि जिससे मुंह चलता रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे डॉक्टर? देखिए मैं तो कहूँगा सिंपल और साफ शर्मे, तंबाकू का सेवन ना करें, शराब को ना पिए, एक्सरसाइज करें, डाइट हेल्थी रहें, स्वच्छ रहें, इन्फेक्शन से बचें, अपने सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखें, पोल्यूशन कम हो इस पे भी आप ध्यान दें, और किसी एम्बेसडर को, हीरो को सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए वो एक्टिंग कर रहा है, ये आपकी लाइफ ओरिजिनल है। आप लोगों को सिर्फ तंबाकू खाते हुए देखते हैं, शराब पीते हुए देखते हैं, और मैं इनको मरते हुए देखता हूँ। जी, आप एक हिस्सा देखते हैं, मैं दूसरा हिस्सा देखता हूँ। मैं कैंसर भगाओ की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तंबाकू, शराब इसको बिल्कुल अपने ज़िंदगी में ना लाएं, अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफ को हेल्थी रखें, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। यस, तो हमारे यंग फ्रेंड्स ने सुन ही लिया होगा डॉक्टर साहब की हिदायत। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसी तरह से अपने ईटिंग हैबिट्स को और अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए कम से कम इतना तो कीजिए कि सिगरेट, शराब, गुटखे, पान से दूर रहिए। डॉक्टर साहब ये जो अगला प्रश्न है ये थोड़ा संजीदा इस लिहाज से है कि ये लिखने वाले नितिन त्यागी जी झारखंड से अपनी पत्नी दीपिका के बारे में पूछना चाहते हैं। कहते हैं मेरी पत्नी दीपिका 27 साल की है और हमारी एक बेटी है 19 महीने की है जो ऑपरेशन से हुई है। बेटी ने 9 महीने तक फीडिंग तो ली है अपनी माँ से, पर इनकी पत्नी को यानी कि इनकी बिटिया की माँ को लगभग 1 महीने से ब्रेस्ट में गांठ उभरी है जिसमें दर्द नहीं महसूस होता है। दीपिका के बिहाफ पर उनके हस्बैंड ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये कैंसर है? देखिए ब्रेस्ट में गांठ का होना, गांठ का बनना, और 80% जो गांठ होते हैं वो कैंसर नहीं होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो कई बार दांत लग जाता है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है जी। तो ब्रेस्ट में लंप हो जाता है, गांठ हो जाती है। लेकिन अक्सर ये जो गांठ है ये क्योंकि एक इन्फ्लेमेटरी है, इन्फेक्टिव है, इसमें दर्द होता है, और दर्द जो होता है वो बिल्कुल शार्प शूटिंग टाइप ऑफ पेन होता है।
लेकिन आपने कहा है कि भाई इसमें पेन नहीं है जी, इसके अंदर पेनलेस लंप इज अ डेंजरस लंप बिकॉज कैंसर इज अ साइलेंट किलर. बाय द टाइम पेन कम्स ऑलरेडी द डिजीज हैज स्प्रेड. सो नाउ कीपिंग इन माइंड कि बेबी है, 9 महीने के बेबी है, उसके दांत आ रहे होंगे, उसने चबाया होगा निकलने के, जिसके वजह से उनको एक लंप बना होगा, तो मुझे पहले लगता है कि ये हो सकता है ये बिनाइन लंप हो. अब लंप बिनाइन है या कैंसर है, मैं यहाँ के बैठ के तो मैं उसका फैसला नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने ब्रेस्ट का एक अल्ट्रासाउंड करवाएं. मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक FNAC या बायोप्सी उस ब्रेस्ट की करवाएं, और अगर उसमें आ जाता है कि ये जो ब्रेस्ट लंप है वो बिनाइन है, वो कैंसर नहीं है या वो एब्सेस है, तो आप चिंता ना करें. अगर गांठ बड़ी है, परेशान कर रही है, तो उसको निकलवा लें, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं गांठ को, लेकिन उसको आप देखते रहें कि कहीं अचानक से बढ़ने ना लगे. अगर उसमें कैंसर आ जाता है तो तुरंत उसका इलाज आपको करवाना है. ये गांठ जो मुझे लग रहा है वो 80% वाली कैटेगरी में बिनाइन होगी, बट आपको अल्ट्रासाउंड और एक FNAC बायोप्सी, ताकि दिमाग की जो शंका है वो हमारे दिमाग से निकल जाए और आप टेंशन फ्री रहें. थैंक यू डॉक्टर. वाकई ये सारी जो बातें हैं ये गौर करने वाली बातें हैं दोस्तों. जैसे डॉक्टर ने कहा कि अगर आपके मन में ज़रा सी भी शंका है तो आप डॉक्टर के पास जाने में हिचकिचाए नहीं, बल्कि अपनी जांच या अपने टेस्ट जो भी है उन्हें करवा के एक तरफ करें, ताकि आप अपना जीवन, अपना दिमाग, दिल सुकून भरी जिंदगी में लगा सके. दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन अपने खतों किताबत जारी रखिएगा. स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या आप SMS कर सकते हैं, या फिर ईमेल ID पे अपना क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं. डॉक्टर साहब हमारे गार्डियन की तरह हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं जिनसे डरने की ज़रूरत है. तो इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए हमें इजाज़त. नमस्कार. स्वच्छता फैलाओ कैंसर भगाओ कार्यक्रम में बॉलीवुड से भी बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया. तारक मेहता के रूप में प्रसिद्ध श्री शैलेश लोढ़ा ने भी अपने विचार रखे. 1 रुपये का सिक्का, बड़ा अजीब है ये सिक्का. जिंदगी में 1 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये बहुत बड़ी कीमत ले सकता है. ये 1 रुपया आपसे, ये 1 रुपया हजारों जाने ले सकता है, लाखों जाने ले रहा है. इस 1 रुपये के सिक्के से मौत मत खरीदिए, इस 1 रुपये के सिक्के से ज़िंदगी खरीदिए. इस सिक्के से हमें जीवन बचाना है. कैंसर भगाइए, जागरूकता फैलाओ, कैंसर भगाओ. आपके आसपास की गंदगी आपको बेहद भयंकर बीमारियों तक पहुंचा सकती है. कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस और ऐसी तमाम सीरियस डिजीजेज गंदगी के कारण फैलती हैं. स्वच्छता फैलाइए, स्वच्छता रखिए. जितना स्वच्छ आपके आसपास का वातावरण रहेगा, उतना ही स्वस्थ आपके आसपास का वातावरण रहेगा. समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च की इस मुहिम से जुड़िए. स्वच्छता फैलाओ, कैंसर भगाओ. स्वच्छ भारत, सुखी भारत, स्वस्थ भारत. नमस्कार, मैं आसित कुमार मोदी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल का निर्माता हूँ. सविता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर द कैंसर रिसर्च, उसके तरफ से मैं आपको लोगों को एक ही संदेश देता हूँ, बस जीवन व्यसन मुक्त बनाइए. जीवन में व्यसन मत रखिए, क्योंकि ये सिगरेट का, तंबाकू का, शराब का, कोई भी व्यसन आपका जानलेवा हो सकता है, आपको कैंसर का शिकार बना सकता है. और तंबाकू छोड़िए, जीवन से नाता जोड़िए. आप सोचिए, एक चंद रुपए के लिए 1 रुपए का गुटखा या 1 या 2 रुपए की सिगरेट हमको कितना नुकसान दिलाती है. मैं हमारे बच्चों को गुजारिश करूँगा कि अगर कोई भी कोई व्यसन करता हो, तंबाकू का सेवन करता हो, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कोई भी व्यसन मत कीजिए, क्योंकि ये व्यसन से खुद बर्बाद नहीं होता है, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है. क्योंकि एक व्यसन करने वाला आदमी से कोई दूसरा भी व्यसन सीखता है और वो व्यसन फैलाता है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का शिकार बनता है.
तो प्लीज़ एक ही गुजारिश करता हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की तरफ से, लोगों को हंसाते रहिए, हंसिए के और व्यसन से दूर रहिए, जागरूकता फैलाओ, कैंसर भगाओ। व्यसन अगर करना ही हो जीवन में तो हंसने और हंसाने का कीजिए, अपने आसपास जो लोग हैं उनकी सेवा करने का, अपने घर में कोई बुज़ुर्ग हो तो उनकी सेवा करने का, अपने बच्चों को प्यार करने का व्यसन कीजिए बजाय इसके कि तंबाकू का सेवन करें। हम सब ये चाहते हैं, आप भी शायद ये चाहते होंगे कि हमारा पूरा देश व्यसन रहित हो, और अगर ऐसा होता है तो इससे बढ़कर प्रगति भारत देश की और कोई नहीं हो सकती। हम अपने सीरियल के माध्यम से भी कई बार कई एपिसोड्स में ये बात दिखाते हैं कि हमें व्यसन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई एक इंसान व्यसन रखता है या करता है, तंबाकू का सेवन करता है, और अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो सिर्फ उसके साथ नहीं होता, उसके पूरे परिवार के साथ होता है। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर कैंसर होता है तो सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं होता, उसके पूरे परिवार को होता है, उसके बच्चे भी उसमें पिसते हैं, उसकी पत्नी, उसके माता पिता, सारे लोग उससे परेशान होते हैं। और हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि अपना पैसा खर्च करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना हमें किसने सिखाया। दोस्तों, अभी भी वक्त नहीं गया है, बहुत वक्त है हमारे पास, बहुत देर हो जाए उसके पहले आप सबसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आपको अपील करना चाहते हैं कि व्यसन से दूर रहिए, और यही मैसेज आप अपने आसपास के लोगों को भी दीजिए। पत्रकार पोपटलाल, आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें कैंसिल कीजिए, जागरूकता फैलाइए और कैंसर को भगाइए। नीता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च जो काम कर रहा है उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। जब हमें चोट लगती है तब हमें समझ में आता है। नरगिस जी को कैंसर हुआ, उनके पति बेकल हो गए और उन्होंने कैंसर पर अपने तरीके से उस ज़माने में अस्पताल की स्थापना की, और इधर प्रफुल्ल जी ने जब वे चोट खाए तब उन्होंने ये बीड़ा उठाया। लेकिन जो चोट प्रफुल्ल को लगी या जो चोट सुनील दत्त को लगी वो हम सबको लगनी चाहिए, ये किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसा नहीं कि उनकी पत्नी चली गई तो वे आगे आए। दरअसल हम सबको अगर कैंसर मुक्त भारत बनाना है, जैसे अभी हाल ही में घोषणा की गई कि हमारा देश अब पोलियो मुक्त है, इसी तरह से समस्या एक मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी सुंदर व कैंसर मुक्त कब होंगे। इस कैंसर मुक्ति के अभियान में दोस्तों दवाइयां भी काम करती हैं, ट्यूमर हटाने के लिए सर्जरी भी होती है, लेकिन ट्यूमर को भगाने के लिए थोड़ा सा योगदान ह्यूमर का भी होता है। अगर रोगी हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और उनके आसपास के लोग उनका मनोबल बढ़ाते रहें तो हम रोगी को वापस मौत के मुंह से निकाल के ला सकते हैं। रोगियों को ज्ञान सारा चाहिए, डॉक्टरों व्यवहार प्यारा चाहिए, वे अकेले क्यों लड़ें निज रोग से, सभी का उनको सहारा चाहिए। तो रोग से लड़ने के लिए पूरे समाज को आगे आने की आवश्यकता है। मैं फिर से एक बार समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं करता हूँ कि कैंसर मुक्त भारत की स्थापना करने में इस फाउंडेशन का महती योगदान हो। कैंसर भगाओ एक जागरूकता अभियान है, आप भी इस अभियान से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस अभियान को मदद भी कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। कैंसर भगाओ अभियान से जुड़ें और मिलकर बोलें, जागरूकता फैलाओ, कैंसर भगाओ। कैंसर से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 9971977888। अपनी समस्याओं को आप हमें ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cancerbhagao@gmail.com, या हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 9289855855। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च, B2B/10 धर्म मार्ग, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। टेलीफोन नंबर 011-4610-5143।